तो भैया 1:32 हो गया, खाली करके आ ही चुके हैं पार्किंग में, आप देख ही पा रहे होंगे पार्किंग है। अब चल रहे हैं यार नहाने, देखो कपड़ा वपड़ा धो के फिर निकलते हैं भैया कोलकाता के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों सुबह के बज गए हैं 10 और आप देख पा रहे होंगे इधर में गेट है ITC कंपनी का, वो गेट है जिधर से गाड़ी जाती है, और हम अभी ये नीचे बैठे हैं देख पा रहे हो। दरअसल रीजन क्या है, जब गाड़ी शाम को लगभग 7 बजे अनलोड हो गया तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुआ पॉइंट पर, ठीक है ना। और गाड़ी टोटल प्रेशर पर है, आप लोग जानते ही होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। गाड़ी का गियर, क्लच, स्टेयरिंग, ब्रेक, सब चीज प्रेशर पे, और लिफ्ट भी प्रेशर पे है, एक एक्सल तो प्रेशर भी डाउन हो गया। अभी कहने का मतलब कि हम सुबह आए हैं फिर बैटरी वाले पे जाने, बैटरी वाला जाके स्टार्ट करवाएगा गाड़ी को, तो अंदर ऑटो वगैरह वैसा जाना अलाउड नहीं है। उसके लिए हमने मेल करवाया है सिक्योरिटी से, अभी सिक्योरिटी का जो ऑफिसर है वो राउंड पे गया है, वो आने के बाद मेल करेगा, फिर गेट से हमें मेल पेपर निकाल के देंगे, तब हम जाएंगे बैटरी वाले के पास, तब वो आएगा। क्योंकि अंदर में गाड़ी 2.5 किलोमीटर अंदर है, उस दिन तो गेट पर ही था तो आ गए थे, तो यही सब रीजन है, समस्या है भैया। तो ठीक है, आप लोग बने रहे कंटिन्यू। दोस्तों गाड़ी खाली हो गया और मैं चल रहा हूँ अब बाहर कांटा करा के, फिर गेट से बाहर हो जाएंगे, पार्किंग में चल के नहाएंगे धोएंगे। और देखिए कितना धूल मिट्टी जम गया है कांच पे, इस पर भी कपड़ा वगैरह मारेंगे फिर चलेंगे। साइड का ये व्यू है फैक्ट्री का, तो ठीक है दोस्तों चलते हैं। तो भैया 1:32 हो गया, खाली करके आ ही चुके हैं पार्किंग में, आप देख ही पा रहे होंगे पार्किंग है। अब चल रहे हैं यार नहाने, देखो कपड़ा वपड़ा धो के फिर निकलते हैं भैया कोलकाता के लिए, ठीक है ना। 4 दिन हो गया यार नहाया नहीं हूँ, और गर्मी बहुत बेजोड़ हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा भैया, ठीक है ना। यही लाइफ स्टाइल है ट्रक ड्राइवरों की, क्या किया जाए। तो ठीक है नहा धो लेते हैं यार, इतना आराम महसूस हो रहा भैया जिसका कोई जवाब नहीं। 4 दिन हो गया नहाया यार, 5वें दिन नहाया था, कपड़ा तो ऐसे लग रहा जैसे टाट पहन रखा था। अभी कपड़ा निकालते ही इतना आनंद आया, इतना आराम लगा, क्या बताऊँ। कपड़ा वो देखो उधर डाल रखा हूँ, उसको धोएंगे, थोड़ा सा है ऐसे और भी कपड़ा धो लेते हैं, और फिर देखेंगे। खाना पीना तो यहाँ मिलेगा नहीं भैया, कुछ फ्रूट वगैरह का नाश्ता करके फिर चलते हैं। भैया नहा धो के आ गए, 2:41 का टाइम है, अब आप लोग बताइए किस तरह लग रहा हूँ, टकाटक एकदम ना। और यार चलता हूँ अब, थोड़ा कुछ नाश्ता पानी देखूँ, कुछ वैसे मिलेगा नहीं यहाँ, चाय मिलेगा या तो फ्रूट मिलेगा, लेके फिर चलते हैं भैया। केला और चाय यही नाश्ता है, केला खाया 1/2 दर्जन और चाय पी रहा हूँ, इसके बाद चल रहा हूँ भैया। बहुत यार तकलीफ हो रहा, रोने का दिल कर रहा आज, पता नहीं क्यों। कोई सजेशन आप लोग देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, कैसी क्वालिटी है, क्या है, कैसा है, आपको जैसा भी लगता है, क्योंकि आप ही लोग गुरु हो, आप ही लोग भगवान हो, ठीक है ना, हम सभी आप ही को मानते हैं। तो आप लोग बताओगे तभी तो हम जानेंगे, सुधार करेंगे, आप लोगों को क्या नज़र आ रहा, क्या लगता है, क्या दिखता है, ठीक है नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दोस्तों अभी सुबह के 8:30 बज गए हैं और हम हैं राजमुंदरी, पीछे देख पा रहे होंगे हमारी वो गाड़ी खड़ी है, इधर ही रात को सोए थे यार। दरअसल बात किया गया था तो बोले थे हो सकता है अभी हम भारत रेंज में जाएं, वर्कशॉप में गाड़ी दिखाना है, ठीक है ना। और चाय पानी पी लेते हैं यार, चलते हैं थोड़ा आगे, फिर अभी देखते हैं क्या उधर से आता है जवाब। दोस्तों ये व्यू है राजमुंदरी और अन्नावरम के बीच का, और आप लोग देख पा रहे हैं इधर किस तरह का व्यू है। और साइड में देखेंगे, देखिए धान की खेती, कोई कोई धान की रोपाई हो चुकी है और रोपाई हो भी रही है, क्योंकि दोस्तों इधर चावल का ही खेती अधिक होता है,
और चावल ही सबसे अधिक खाया जाता है, तो ऐसा व्यू है यहाँ का। दोस्तों 12 बज गए, दिन के 12 बज के 18 मिनट हो रहे हैं और अभी हम हैं विशाखापट्टनम बाईपास। अब चलते हैं यार, ब्रश कर लेते हैं। अब तबीयत में कुछ सुधार हो रहा और पानी भी खत्म हो गया था मेरे पास, तो यहाँ पानी भी भरा और देख पा रहे होंगे पीछे हमारे टोल टैक्स है और ये मेरी गाड़ी। ब्रश वगैरह करके यार थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं एक बार। तो भैया वो है टोल टैक्स, ये है जनसुविधा। जनसुविधा ही समझ लो यार, ये है टॉयलेट शौचालय, इधर ये बंद है और वो वाला ओपन है, वहाँ पे चलते हैं चाय वगैरह पीते हैं। बाकी यहाँ का व्यू देख ही सकते हो। तो भैया 2:13 हो गए, विशाखापट्टनम बाईपास हो गया है पार। देखिए उधर का टोल, ये टोल है, इस पार भी टोल है और चलते हैं यार एक छोटा सा ढाबा है, देखते हैं कुछ खा लें क्योंकि लग गई है भूख। तो ये है छोटा सा ढाबा दोस्तों और चलते हैं इधर ही हम भी खा लेते हैं। तो आ गया भैया, रोटी है और ये सब्जी है, मिक्स वेज आप इसको समझ सकते हो। आ गए हैं हम इस पंप में और डीजल लेते हैं यहाँ पर भैया, इसके बाद में देखो फिर कहाँ तक कंटिन्यू होता है, ठीक है ना। आज तो फुल नाइट ड्यूटी करेंगे, तो ठीक है भैया, मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। धन्यवाद।